हेलो एंड सत श्री अकाल टू एवरीवन। दोस्तों थोड़ा सब का स्वागत है अज के डेली करंट अफेयर सैशन दे विच। हर रोज़ की तरह उम्मीद कर रहे हैं थोड़ी तैयारी बहुत चंगी चल रही होगी अते नाल ही नाल थोड़े अते थोड़े परिवार की सेहत भी चंगी होगी। तो शुरुआत करते हैं जी अज के विचार तो। दोस्तों विचार अज का यही है कि एक कामयाब एक सक्सैसफुल जो है स्टूडेंट अते अनसक्सैसफुल स्टूडेंट के विच जो है एक जो वड्डा जो फर्क हुंदा है दोस्तों वह हुंदा है प्रैक्टिस्ड एवरीडे। दोस्तों हर रोज जो पढ़ने की आदत है हर रोज जो है अपना मन लगा के पढ़ने की जो आदत है यही थोनू है बाकियां नालों है वखरा करती है थोनू दोस्तों सक्सेसफुल बनाती है। तो इस आदत नू है बनाओ क्योंकि ये सिर्फ सिर्फ एग्जाम ले ही नहीं थोड़ी जिंदगी नू है एक नवा रूप है देने दे विच जो है बहुत मददगार साबित होगी। तो दोस्तों चलते हाँ सब तो पहला अज की हेडलाइंस के उपर। सब तो पहली जो हेडलाइंस है अज जो जुड़ी हुई है वह जुड़ी हुई है गुजरात तो। कल असं इसमें वन लाइनर्स के भी पढ़िया सी दोस्तों कि ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसन जो एक दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नाल मिलकर जो है भारतीय गवर्नमेंट ने दोस्तों आयुष जो मिनिस्ट्री ने है इसको जामनगर के विच है स्थापित किया है। ट्रेडिशनल मेडिसन जिवें कि असं आयुष मिनिस्ट्री की गल ही कर ली दोस्तों जो कि प्योर जो साड़ी ट्रेडिशनल थैरेपीज ने मेडिसन्स ने उन्हां दे लई है यह काम करेगा। दोस्तों इतने असं जो गल करिए इस लगा का जो मेन मकसद है ठीक है वह है कि ताकि दोस्तों पूरा का पूरा इन्होंने मेडिसन थैरेपीज ना जुड़ा जो डाटाबेस है उसको इकट्ठा किया जा सके। इस तो अलावा दोस्तों कोई सर्टिफिकेशन है जो इन्हों के उपर जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है इन्हों की टैसटिंग इन्हों सर्टिफाइड किया जा सके क्योंकि हजे तक कोई भी अंतरराष्ट्रीय मानक या कोई प्रख्याति या कोई एजेंसी नहीं है जो इन्हों जो है दोस्तों ऑर्गेनाइज करती है जो इन्हों सर्टिफिकेशन करती है जिवें असी एलोपैथी के विच देखते हाँ। इस तो अलावा इस दे लई फंड्स नू है दोस्तों रेज करना है अते बहुत सारे जो प्रोटोकॉल्स ने इसकी ट्रीटमेंट नू लैके ताकि पूरी दुनिया भर के विच है लोगों का विश्वास है इस दे विच बन सके। तां इह इंडिया दे विच दोस्तों जो है या तुसीं कह सकते हो कि दुनिया दे विच है पहला अते अकेला इस तरह अकेला जो इस तरह का जो ग्लोबल सेंटर फॉर दोस्तों जो ट्रेडिशनल मेडिसन नू है डेडिकेटेड है वह जो है खोलिया गया है। अते इस मौके दे उपर असीं जिवें कि तस्वीरां दे विच देख रहे हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दे जो डायरेक्टर ने टेड्रोस वो भी जो है शामिल सन दोस्तों। अते इस मौके ते है जो इस नू जो है शुरू किया गया अपनी स्पीच दे विच दोस्तों जो नरेंद्र मोदी ने इन्हां दी काफ़ी तारीफ की सी कि इन्होंने पिछले कोविड के टाइम पीरियड ते है बहुत ज़्यादा जो है साहस नाल काम किया। इन्हों गुजराती का एक नाम है तुलसी भाई जिवें कहा जाता कि तुलसी है जो है बहुत ही एक जो इंपॉर्टेंट ट्रेडिशनल मेडिसन बहुत बहुत सारी मेडिसन उस प्रॉपर्टीज होंदिया ने तो उस तरीके उन्होंने ये जो अहदा है तुलसी भाई का जो है इस टेड्रोस जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हैड ने उन्होंने दिता जी। फिर उस तो बाद दूजी न्यूज़ जुड़ी हुई है मार्जिनल कोस्ट ऑफ फंड प्रॉफिट के नाल दोस्तों MCLR रीसेंटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी MCLR डिक्लेयर कीतियां ने। ये MCLR है कि सब तो पहले असं देख लिए दोस्तों MCLR होंगी है कि जो भी बैंक्स ने जो वह लोन्स प्रोवाइड करते हैं दोस्तों उसका जो मिनिमम रेट है मतलब कि उस रेट तो नीचे उस ब्याज दर तो नीचे असी किसी को भी लोन नहीं प्रोवाइड करांगे उसनों असी MCLR बोलते हाँ उसनों असी मार्जिनल कोस्ट ऑफ फंड प्रॉफिट बोलते हाँ। दोस्तों इसकी शुरुआत है जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 अप्रैल 2016 के विच कीती सी लेकिन इसनों दोस्तों जो बैंक ने खुद डिसाइड करते हैं जो साढ़े RBI है एक रेंज दे देता है लेकिन मिनिमम जो रेट है MCLR है ये बैंकों को खुद डिसाइड करना होता है। हालांकि जो ऑलरेडी लोग बैंक के विच काम करते हैं वो एक्सैप्शनल केस है कि उन्होंने इस मिनिमम रेट तो जिसनों असं MCLR बोलते हैं उस तो भी घट रेट पर है लोन मिल जाता है एक एक्सैप्शनल केस के विच। अते जो MCLR है चार फैक्टर के उपर डिपेंडेंट होता है जिवें कि दोस्तों मार्जिनल कोस्ट ऑफ फंड्स नैगेटिव कैरी ऑन अकाउंट ऑफ CRR ऑपरेशन कोस्ट और टेनओवर प्रीमियम चार चीज़ा चार फैक्टर से डिपेंडेंट है और उसके बेस भी हर बैंक अपना MCLR है डिसाइड करता है जी। तीजी न्यूज़ है साढ़े 9वें गुरु साहब श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पुरब नाल जुड़ी हुई जिन्होंने असी हिंद की चादर भी बोलते हैं दोस्तों। तो पूरी दुनिया भर के जिथे भी सिख संगत रहिंदियां ने उत्थे इन्हां दा प्रकाश पुरब है 400वां प्रकाश पुरब है उस नूं बड़े ही खुशी दे नाल मनाया जा रहा है। फिर चौथा क्वेश्चन जुड़ा है दोस्तों एक मूवी दे नाल रीसेंटली एक मूवी आई सी RRR RRR शायद तुसीं वेखी होवे जे तुसीं नहीं भी वेखी तो जदों जे तुहाडे कोल समां है जे तुहाडे कोल फैसिलिटी है तो इसनूं जरूर वेखो। ये मूवी बेस्ड है अलूरी सीताराम राजू ये जो अलूरी सीताराम राजू है दोस्तों ये सब तो पहले दस देवां इहदा जो जन्म है वो विशाखापट्टनम के नज़दीक जो है कोस्टल एरिया के नज़दीक पंडरंगी जो है पिंड दे विच होया सी दोस्तों। अते ये
क्यों इन्ना मशहूर सी? क्योंकि उत्थे दोस्तों 1922 तो 1924 एक बहुत बड़ी बगावत अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हुई सी, जिसनों सी रैंपा रिवेलियन बोलते हैं, रैंपा विद्रोह बोलते हैं। उसका यह लीडर सी दोस्तों, इसे करके इसनू मनियम विरुद्ध, ये तेलुगु का शब्द है दोस्तों, आंध्र प्रदेश के बच्चे, लेकिन उस टाइम यह मद्रास कॉन्स्टिट्यूएंसी के बच्चे होया करता सी, तो उसनू मनियम विरुद्ध जिसका मतलब है जंगलों का राज है कहा जाता सी। जिवें कि तुसीं तस्वीरां विच देख रहे हो, इस दे नाते उपर 1986 दे विच एक 50 पैसे की डाक टिकट भी भारतीय गवर्नमेंट ने इशू की हुई है। नाम है अलूरी सीतारामा राजू, अते जो मूवी रीसेंटली आई सी ट्रिपल आर सी, अते रैंपा रिबेलियन का ही हीरो होया करता सी जी। इट वॉज बेस्ड ऑन गुरीला वारफेयर। गुरीला वारफेयर का मतलब तुसीं समझते हो जिवें कि दोस्तों एक स्ट्रैटेजी दे नाल है, जो है तुसी लुक के दुश्मन के उपर हमला करो ताकि उसनू संभलन का मौका ही ना मिले। एंड ही मोबलाइज ट्राइबल्स एंड फॉरेस्ट ड्वेलर्स, बहुत सारे जो ट्राइबल लोग से दोस्तों जो जंगलों के विच रहिंदे से उन्होंने इकट्ठा किया ब्रिटिश के अगेंस्ट, अते दोस्तों जो है ड्यू टू देयर ओप्रेसिव मद्रास फॉरेस्ट एक्ट, क्योंकि उन्होंने ट्राइबल्स के लोगों की या उतों के जो जंगलों के जो लोग रहिंदे से दोस्तों उन्होंने विरुद्ध बहुत सारे जो एक्ट है पास कर दिए सन। फिर असीं गल करांगे भारत के पहले पोर्टेबल, पोर्टेबल का मतलब तुसीं एक थां ते दूजी थां ते उसनू ईजली लैके जा सकते हो, सोलर रूफटॉप सिस्टम की, जिसनों गांधीनगर के गुजरात के रीसेंटली शुरुआत की गई है। ये दोस्तों जो 10 फोटोवोल्टिक पीवी पोर्ट का यह जो सिस्टम है, इसनों दिल्ली बेस्ड सर्वोटेक पावर सिस्टम लिमिटेड और इसनों जो डिजाइन किया है जर्मन डिवेलपमेंट एजेंसी ड्यूज ने जो है डिजाइन किया है जी। और भारत का पहला पोर्टेबल, देखो सोलर रूफटॉप की तो हमेशा गल करते हैं, कुछ दिन पहले भी गल की कि भारत का पहला फ्लोटिंग सोलर रूफ जिवें कि तमिलनाडु के बच्चे दोस्तों, लेकिन यह पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम है जो कि शुरू किया गया है गांधीनगर गुजरात के। फिर जिवें असी बैंक नाल जुड़े कार्ड्स लेने दोस्तों, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड, हुण उसी तरीके नाल एक दोस्तों इंटरनेशनल कंपनी है नेक्सो, इसने क्रिप्टो करंसी की भी जो अपनी जो तुसी पेमेंट्स है एक कार्ड नाल कर सको, तो इसलिए इस नेक्सो ने है मास्टर कार्ड जो कि दोस्तों अमेरिका की कंपनी है और इंडिया के भी जो है कार्ड है वह इशू करती है NPCI नाल मिलके, बैंकिंग सिस्टम नाल मिलके, तो हुण मास्टर कार्ड नाल है मिलके इसने क्रिप्टो की जो जो दोस्तों जो जो पेमेंट्स है वह भी कार्ड के राही जो है एक कर सको, तो अपने जो कार्ड है वह इशू किए ने नेक्सो की इस कंपनी ने जी। हालांकि कुछ पैरामीटर्स लाए नहीं जिम्मे कि मिनीम रीपेमेंट है दोस्तों जो है, या फिर जो इनएक्टिविटी फीस है वो बिल्कुल नहीं रखी, लेकिन 20,000 यूरो तो ज़्यादा जो तुम पेमेंट्स करते हो तो फिर कुछ मिनीम पेमेंट्स है करते हो। इंडिया के अजे इसकी शुरुआत नहीं हुई है, हाले सिर्फ सिर्फ यूरोप के है, यूके के इसमें शुरू किया गया है जी। फिर असं गल करा ICR की, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की, इसने नैशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स के नाल मिलकर दोस्तों जो श्रिंप की, श्रिंप एक तरह की जो है फिश होंगी दोस्तों, एक नवी जो श्रिंप है मतलब प्योर फिश नहीं होंगी लेकिन फिश की तरह ही देखने वाली होंगी है, जो तुम इसकी तस्वीर देख रहे हो। तो दोस्तों इसको लक्षद्वीप आयलैंड जो कि अरेबियन सी के उपर है उत्थे एक नवी जो है श्रिंप की स्पीसीज लभी है, इसको नाम दिता है एक्टिमनास कोयास का दोस्तों, क्योंकि उस इलाके जिथे इसको लभ्या गया है कोयास नाम के जो ट्राइबल्स जो है बहुत ज्यादा रहिंदे ने, इस करके उन्हां ट्राइबल्स के नाम के उपर है एक्टिमनस कोयास इसका नाम रखा गया है। अते मोनूमेंट्स एंड साइट्स लई जो इंटरनेशनल डे है यूनेस्को हर साल 18 अप्रैल नूं है सैलीब्रेट करता है, इस साल दोस्तों उसका जो थीम रखा गया है वह रखा गया है कॉम्पलैक्स पास्ट एंड डायवर्स फ्यूचर। जन निगरानी नाम की ऐप है, ये जम्मू कश्मीर की पंचायती राज डिपार्टमेंट ने इसको लॉन्च किया है ताकि लोगों की जो समस्यावां ने दोस्तों, जो भी लोगों की जो प्रॉब्लम्स ने उन्हों का जो कोई भी किसी भी तरह की जो समस्या होती है उसको सॉर्ट आउट किया जा सके, ऑनलाइन जो कंप्लेंट्स है इस ऐप के उपर जिसका नाम जन निगरानी रखा है लोग है हुण अपनी रजिस्टर करवा सकणगे। तां इह सारे दे सारे क्वेश्चन ने जो अज दे साडे दोस्तों साडे डेली करंट अफेयर दा हिस्सा बने ने, इस तरह बड़े सारे होर क्वेश्चन मैं तुहानू वन लाइनर दे विच भी दसांगा, उत्थे भी अज काफ़ी वड्डी गिणती दे विच वन लाइनर ने, लेकिन उस तो पहले आपां इन्हां सारे क्वेश्चन बेस्ड MCQs है उसकी शुरुआत करते हैं दोस्तों। सब तो पहला जो क्वेश्चन है वो ट्रेडिशनल मेडिसन नाल जुड़िया है, ये ट्रेडिशनल मेडिसन का जो ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसन सेंटर है इस दे विच दोस्तों जो है जो बहुत सारी नॉलेज स्किल्स एंड प्रैक्टिस बेस्ड ऑन थ्यूरीज बिलीव्स ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, कहने का मतलब है कि ये जो ट्रेडिशनल मेडिसन बनदिया ने उस इस दे विच ज्ञान तो है ही है, ज्ञान दे नाल ही बनदिया, लेकिन इस तो अलावा प्रैक्टिस बेस्ड होंदिया ने, लोगों का बिलीफ है
ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੈ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਕਲੂਡਡ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਸਿਰਫ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਜੋ ਹੈ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਸਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਮਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇਨੋਗ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਮਨਗਰ ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ MCLR ਨਾਲ, MCLR ਜੋ ਹੈ ਇਹ 12 ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਰੇਟ ਹੈ ਜੋ ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਿਨੀਮਮ ਜੋ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ MCLR ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੂਜਾ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 12 ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨਹੀਂ, 4 ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਕ MCLR ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ 2016 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਤੀਜਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਜੋ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਦੀ ਚਾਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਚੌਥਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਅਲੂਰੀ ਸੀਤਾਰਾਮ ਰਾਜੂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਰਿਵੋਲਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਈ ਸੀ 1922 ਤੋਂ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਅਲੂਰੀ ਸੀਤਾਰਾਮ ਰਾਜੂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰਾਮਪਾ ਰਿਵੋਲਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਟ੍ਰਾਈਬਲਸ ਅਤੇ ਜੋ ਜੋ ਜੱਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੋਰਟੇਬਲ ਸੋਲਰ ਰੂਫਟੌਪ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਬੈਕ ਪੇਮੈਂਟ ਕਾਰਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹੈ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਦੋਸਤੋ? ਇਹ ਜੋ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨੈਕਸੋ ਨਾਮ ਦੀ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਮਾਸਟਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੈ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਬੇਸ, ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੀ ਜੋ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਟੀ ਮਨਾਸ ਕੋਆਸ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੋਸਤੋ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਹੈ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਜੋ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਇਹ ਡੱਡੂਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਟਿਊਲਿਪਸ ਦੀ, ਸ਼੍ਰਿੰਪਸ ਦੀ, ਜਾਂ ਗੀਕੋਲਿਜ਼ਾਰਡ ਦੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸ਼੍ਰਿੰਪਸ। ਅਤੇ ਕੋਆਸ ਨਾਮ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ICR ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬੇਸਡ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ 8ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਆਫ ਮੋਨੂਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਸਾਈਟਸ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਰਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ASI ਜੋ ਹੈ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 3691 ਮੋਨੂਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅਤੇ ਯੂਨੈਸਕੋ ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੇ ਜੋ 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 ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਟੋਟਲ 41 ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਦੋਸਤੋ, ਜੋ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟਸ ਦੀ ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਟੋਟਲ ਉਹ 40 ਹੈ। ਅਤੇ ਆਰਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜੋ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਮੋਨੂਮੈਂਟਸ ਦੀ ਜੋ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ 1861 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਰਡ ਕੈਨਿੰਗ, ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵਾਇਸ ਰਾਇਸ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਮੋਨੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਹੈ, UP ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਰਟ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਐਪ ਹੈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਨ ਨਿਗਰਾਨੀ? ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਜੋ ਐਪ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਅਦਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਨ ਲਾਈਨਰਸ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸਾਰਾ ਜੋ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੋ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਹੋਣ ਦੋਸਤੋ, ਜੋ ਰਿਕਾਰਡਡ ਕਲਾਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ, 11 ਵਜੇ ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੋ ਇਸਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ 8 ਵਜੇ ਦਾ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਾਂ, ਜੋ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲੀ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤੋ ਜੋ ਵਾਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਮੋਸ਼ਕਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਮੋਸ਼ਕਵਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੋਸ਼ਕਵਾ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਰਸ਼ਿਪ ਹੈ? ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੈ ਮੋਸ਼ਕਵਾ ਨੂੰ ਹੈ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੀ ਇੱਕ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਰਿਸਪੋਂਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨੈਟਪੋ
जिसका नाम है नॉर्थ पोल रेक्स 8 जो है इस गोवा दे विच है उसने आयोजन किया। तीजी न्यूज़ है कर्नाटका ने रूबिन अथप्पा नू अपने ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव जिस नाल दिमाग नाल जुड़िया बहुत सारिया जो अवेयरनैस है बीमारियां लोगों को सचेत किया जाता है उसका ब्रेंड अंबेसडर है घोषित किया। दोस्तों थोड़ा जरूर पता होगा रूबिन अथप्पा इंडिया की टीम का भी किसी टाइम हिस्सा से और फिलहाल चेन्नई सुपर किंग्स लिए यह क्रिकेट खेलते हैं आईपीएल खेलते हैं। फिर इंडियन पल्सेस एंड ग्रेन एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन नवी अपॉइंटमेंट हुई है दोस्तों बिमल कोठारी इसके नवे चेयरमैन बने ने तो सानू जरूर पता होना चाहिए इंडियन पल्सेस एंड ग्रेन एसोसिएशन। फिर साडा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो इंडियन आर्मी है दोस्तों इसने CAPF नाल मिलके बंगाल दे विच जो तीसरा फील्ड फायरिंग रेंज है उत्थे एक एक ज्वाइंट एक्सरसाइज की है दोस्तों अते उस एक्सरसाइज का नाम है किरपान शक्ति। मैं रिपीट करना इसका नाम है किरपान शक्ति जिसका दोस्तों जो मकसद है कि जो है दोस्तों किस तरीके नाल है टेररिज्म के खिलाफ है या किसी भी आतंकी हमले तो है अपने आप को बचाया जा सके लोगों को बचाया जा सके। फिर उस तो बाद राजेश तलवार नाम का दोस्तों ये जो लेखक है जो ऑलरेडी बहुत सारी जो साड़ी फ्रीडम फाइटर्स या बहुत सारे होर वड्डियां पर्सनैलिटीज उपर किताब लिख सकया फिलहाल इन्होंने अंबेडकर जी के उपर एक किताब लिखी है जिसका नाम है द बॉय हू रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन पूरा नाम है ए प्ले फॉर चिल्ड्रन ऑन ह्यूमन राइट्स का बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के आ सकती है जी। ये दोस्तों लद्दाख के पहली बार है कोई IT ट्रेनिंग एंड सर्विस सेंटर है उसकी शुरुआत की गई है क्योंकि इन्ने जो है दोस्तों इलाके दे विच है कोई भी कंपनी है ओबियसली गल है प्रॉफिट परपज तो उत्थे कोई हो नहीं सकता वेलफेयर परपज लई है गई है दोस्तों फर्स्ट IT सर्विस सेंटर अते ए अमेरिका बेस्ड जो कंपनी ईथोस डिजिटल ने अपना पहला सेंटर इत्थे खोलिया है अते इस नूं इत्थे खोलन दे लई है दोस्तों पुणे बेस्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है असीम फाउंडेशन ने है उन्होंने साथ दिता है। तो याद रखो लद्दाख का पहला IT ट्रेनिंग एंड सर्विस सेंटर है ईथोस डिजिटल अमेरिका बेस्ड कंपनी ने इसकी शुरुआत की है। फिर अच्छ 21 अप्रैल है सिविल सर्विस डे है जो है दोस्तों अज इंडिया के ऑब्जर्व कराया जाता है सैलीब्रेट कराया जाता है सिविल सर्वेंट्स उन्होंने इंपोर्टेंस को वल्लभ भाई पटेल ने है दोस्तों उन्होंने स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया है कहा सी क्योंकि यही वह दोस्तों एक तरह का एडमिनिस्ट्रेशन है जिस कारण है भारत दोस्तों इन्नी वड्डी जनसंख्या इन्नियां वड्डियां कम्युनिटीज रिलीजन के बावजूद भी एक बेहतर अते ऑर्गेनाइज तरीके दे नाल है चल रहा है जी। अते 1947 दे विच सरदार पटेल ने यह गल अपनी लिखी सी उस तो लगातार 21 अप्रैल में है सिविल सर्विस डे के तौर पर इसको ऑब्जर्व कराया जाता है। फिर दोस्तों राजस्थान इंडिया का पहला इस तरह का सूबा क्योंकि इस तो पहला कई UTs तो ऑलरेडी L रूट सर्वर नाल दोस्तों उत्थे इंस्टॉल कर चुकिया ने हुण राजस्थान पहला सूबा है जिथे L रूट सर्वर जो है स्थापित हो चुके अते ये जो स्थापित होया है जी ये भामशाह स्टेट डाटा सेंटर दे विच इसनूं स्थापित किया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि L रूट सर्वर हुंदा की है दोस्तों एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है L रूट सर्वर एक टेक्नोलॉजी है अते इन्नी जबरदस्त टेक्नोलॉजी है कि आने वाले समय दे विच चाहे किन्ना मर्जी वड्डा तूफान कोई भी वड्डा दिक्कत पर्यावरण नाल जुड़ी आ जाए राजस्थान दे विच इस L रूट सर्वर नाल इंटरनेट नाल जुड़ी कनैक्टिविटी हमेशा बरकरार रहेगी। दोस्तों इसकी होर सारी जानकारी इत्थे दित्ती हुई अगली स्लाइड से जो मैं थोड़े नाल सांझी कर देवांगा उसनों तुसी जरूर पढ़ लेना। इस तो बाद पंचायती दिवस 24 अप्रैल नूं है दोस्तों सैलीब्रेट हुंदा है हर साल अते इस साल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है नरेंद्र मोदी जी है खास तौर पर जम्मू दे दोस्तों पल्ली नाम का यह जो पिंड है उत्थे जाके इसनों सैलीब्रेट करनगे अते दोस्तों कई सारे रीजन ने उन्हां विच एक रीजन है कि इस पिंड दे विच सोलर प्लांट की जो इंस्टॉलेशन होनी सी रिकॉर्ड टाइम दे विच है दोस्तों जम्मू कश्मीर दे रूरल पंचायती जो डिपार्टमेंट ने पूरी कर दिती है अते बहुत सारे पिंडां दे सरपंच अते मेंबर साहबान इत्थे आके नरेंद्र मोदी जी नाल मुलाकात करनगे। तां पल्ली नाम का यह पिंड है जिसनों की सिलेक्ट किया गया है पंचायती राज दिवस के फंक्शन के तौर पर जी। इस तो बाद दोस्तों गवर्नमेंट साड़ी इंडियन नेवी का प्रोजेक्ट 75 जिसके तहत दोस्तों जो है 6 जो नेवल शिप्स ने उन्होंने मेड इन इंडिया बना के इंडियन नेवी को सौंपना सी अते फिलहाल हुण इस पूरा हो चुका है 6वीं जो नेवल शिप है जिसका नाम है INS वक्शीर जो है मुंबई के मुंबई विखे है इसनों इंडियन नेवी है इंडियन नेवी के इंक्लूड कर लिया गया जी। और दोस्तों लास्ट जो न्यूज़ है वो जुड़ी हुई है अमेरिका के वाइस प्रेजिडेंट जो भारतीय मूल की है जिसकी तुम तस्वीर में दोस्तों अपने खब्बे पास देख रहे होंगे कमला हैरिस इन्हों का नाम है दोस्तों कमला हैरिस ने अपने डिफेंस एडवाइजर के तौर पर है
इंडियन जो है बेस्ड, जो भारतीय मूल दी ही दोस्तों, जो डिफेंस एडवाइजर जिसका नाम है शांति सेठी है नियुक्त किया है। बहुत वड्डी गल है कि भारतीय मूल के लोग है इन वड्डिया पोजिशन से बैठते हैं, साडे एग्जाम लिए बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो दोस्तों इसलिए नाल ही साडा अज का सैशन कंप्लीट होंगे। उम्मीद करांगा सारा सैशन थोड़ा चंगा लग्या होगा, सैशन चंगा लग्या तो इसको शेयर और लाइक भी जरूर करते करो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।